सो हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट नेक बैंड्स अंडर 1500 रुपीस। तो गाइस, अगर आप 1500 के अंदर एक बेस्ट नेक बैंड बाय करना चाहते हो जिनमें आपको साउंड क्वालिटी टॉप नॉच मिल जाए, कॉलिंग में भी बढ़िया हो और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिल जाए, एंड आप उस पर अच्छी खासी गेम भी कर पाओ, प्लस डुअल डिवाइस पेयरिंग भी हो, IPX5 वाटर रेटिंग और फास्ट पेयरिंग मिल जाए, और हाँ लंबे समय तक पहनो तो कंफर्टेबल भी हो, तो गाइस बहुत ही अच्छे नेक बैंड्स हैं। एंड साथ में दोस्तों हम इनके प्रो एंड कॉन्स भी देखेंगे ताकि आपके लिए बेस्ट नेक बैंड चूज करना और भी इजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस फर्स्ट नेक बैंड है, वो आते लावा की तरफ से, लावा प्रो बर्ड्स N31। और गाइस अगर आपका बजट 1000 रुपए का है तो ये 1000 रुपए के अंदर आने वाले सबसे बेस्ट नेक बैंड है, क्योंकि इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग, IPX6 की वाटर रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, प्लस ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसमें आपको एक एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट BT 5.3 मिल जाएगा, बट मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग मिल जाता है, तो एक साथ आप दो डिवाइस से पेयर कर पाओगे। एंड साथ में IPX6 की वाटर रेटिंग है, तो बारिश में पहनोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसी के अलावा बैटरी का भी काफी अच्छा है, 45 आवर्स तक का बैटरी का मिल जाएगा नॉर्मल यूज पे। एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी है, जो कि आपको 10 मिनट चार्ज पर 12 आवर्स तक का प्ले टाइम दे देंगे। बाकी बात करूँ उसकी मेन ऑडियो क्वालिटी, 10 mm ड्राइवर्स यूज किए हैं, तो लाउडनेस काफी अच्छी है, फुल वॉल्यूम पर भी आवाज फटती नहीं है। एंड साथ में वोकल्स में क्लैरिटी भी काफी बढ़िया है, और जो बैकग्राउंड में स्टोन बजते हैं वो भी पूरे क्लियर सुनाई देते हैं। एंड रही बात बेस की, तो एक पावरफुल और पच के साथ तगड़ा बेस सुनने को मिल जाता है, तो ओवरऑल 1000 रुपए के हिसाब से इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड साथ में बात करूँ कॉलिंग क्वालिटी की, तो इंडोर आउटडोर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट ज्यादा ही नॉइजी एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से कैच करेंगे। एंड वही इस पर आप अच्छी खासी गेम भी कर पाओगे, 60 ms की लोड ऐसे मिल जाती है गेमिंग के लिए। बाकी बात प्राइसिंग की, तो 1000 रुपए के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले नंबर 2 पे ये आते बोल्ट, सबसे बोल्ट ऑडियो कर्व ANC। और गाइस इन्हें लॉन्च हुए जस्ट अभी 3 महीने ही हो रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छे फीचर्स आ जाते हैं, लाइक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, डुअल डिवाइस पेयरिंग एंड और भी तगड़े फीचर्स देने को मिल जाएंगे। बट सबसे पहले बात करूँ एक्टिविटी की, तो इसमें आपको लेटेस्ट BT 5.3 मिलता है, एंड साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग भी है, बट इसमें भी आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर नहीं दे रखा है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इसमें आपको 25 dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, जो कि 60-70% तक आपके बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल आउट कर देगा, और साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, तो अपने आसपास एम्बेड साउंड भी सुन पाओगे। और वही इसमें गेमिंग के लिए 60 ms की लोड ऐसी दे रखी है, तो इस पर आप अच्छी खासी गेम भी कर सकते हो। बाकी बात और उसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की, 12 mm के बूमएक्स ड्राइवर्स यूज किए हैं, तो जैसा नाम है वैसे ही आपको बेस सुनने को मिल जाता है, मैं इस पचने के साथ एक बूमी बेस सुनने को मिल जाएगा, बट जो ट्रबल है वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वोकल्स में क्लैरिटी काफी बढ़िया है और लाउडनेस भी अच्छी है। एंड उसी के अलावा बात करूं कॉलिंग क्वालिटी की, तो कॉलिंग क्वालिटी बढ़िया है, इंडोर में तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बट आउटडोर में 70-80% तक आपके वॉइस पे फोकस रहता है, और साथ में इसमें आपको IPX5 की वाटर रेटिंग दे रखी है। एंड नेक्स्ट बात करूं बैटरी, तो 40 आवर्स तक का बैटरी का मिल जाएगा नॉर्मल यूज पे, और साथ में फास्ट चार्जिंग भी है, जो कि आपको 10 मिनट चार्ज पर 10 आवर्स तक का प्ले टाइम दे देंगे। बाकी बात प्राइसिंग, तो 1500 के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो गाइस अब कहते हैं नंबर 3 पे, वो आते हैं रियलमी तरफ से, रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S। और गाइस ये बहुत ही कमाल की ईयरफोन्स है, क्योंकि इनमें आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि शायद ही आपको किसी और नेक बैंड मिलता होगा। एंड इसमें भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो कि 20 मिनट के चार्ज पर 7 आवर्स तक का प्ले टाइम दे देंगे, और फुल चार्ज पर 24 आवर्स तक का बैटरी का मिल जाएगा। एंड इसके अलावा कनेक्टिविटी भी सुपर फास्ट है, इसमें आपको लेटेस्ट BT 5.3 मिलता है, और साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग का भी सपोर्ट दे रखा है। बाकी इसकी कॉलिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और 1300-1500 में इनसे बढ़िया कॉलिंग के लिए आपको नेक बैंड नहीं मिलेगा, तो अगर आप कॉलिंग के नेक बैंड ढूंढ रहे हो तो सब जरूर कंसीडर करना। और उसके अलावा बात करूँ साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आपको 11.2 mm डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं, और इनकी साउंड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, काफी ज्यादा बैलेंस साउंड है, मतलब बेस इनमें आपको ज्यादा पंची नहीं मिलता है, बट फिर भी अच्छा बेस है। वोकल्स में क्लैरिटी भी अच्छी है, हाई मिड्स लो प्रॉपर सुनने को मिल जाते हैं, और साथ में इनमें आपको IPX4 की वाटर रेटिंग मिल जाती है, तो स्वेट वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात हो प्राइसिंग की, तो 1500 के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो गाइस तक नंबर 4 पे ये आते बोट, तब से बोट रॉकर्स 255 टच। और गाइस ये बोट की तरफ से न्यूली लॉन्च नेक बैंड है, जो कि अभी 1 महीने पहले ही लॉन्च हुए हैं, एंड इनमें आपको टच कंट्रोल दे रखा है, गेमिंग के लिए बीस्ट मोड है, और साथ में ऑडियो क्वालिटी भी काफी अमेजिंग है। बट सबसे पहले बात करूंगा एक्टिविटी की, तो इसमें आपको लेटेस्ट BT 5.3 मिलता है, एंड साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग भी है, और मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर दे रखा है। बाकी बात है उसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की, तो 10 mm ड्राइवर्स यूज किए हैं, और इसमें आपको 2 मोड दे रखे हैं, नॉर्मल मोड और सिग्नेचर मोड। तो नॉर्मल मोड में इसकी ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, बट सिग्नेचर मोड में इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है, मतलब बेस बहुत ही बढ़िया सुनने को मिलता है, और साथ में वोकल्स, ट्रबल और जो बैकग्राउंड स्टोन बजते हैं वो पूरे क्लियर सुनाई देते हैं, तो ओवरऑल सिग्नेचर मोड में इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी सुनने को मिलती है। और वही बात है कॉलिंग क्वालिटी की, तो कॉलिंग क्वालिटी बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इंडोर आउटडोर दोनों जगह, बट ज्यादा ही नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से कैच करते हैं। एंड साथ में इसमें आपको टच कंट्रोल दे रखा है कॉल्स और म्यूजिक का मैनेज करने के लिए, और उसी के अलावा ये आपको 30 आवर्स तक का बैटरी दे देंगे नॉर्मल यूज पे। एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी है, जो कि आपको 10 मिनट चार्ज पर 10 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा, और साथ ही साथ IPX5 की वाटर रेटिंग भी दे रखी है। एंड इस पर आप अच्छी खासी हैवी गेमिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 40 ms का लोड ऐसी दे रखा है। बाकी बात प्राइसिंग, 1500 के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर।
तो गाइस ऑप्शन नंबर 5 पे ये आते हैं रियलमी की तरफ से रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3। और गाइस ये रियलमी की तरफ से लेटेस्ट नेक बैंड है जो कि अभी 3 दिन पहले लॉन्च हुए हैं। तो गाइस अगर आप अपना बजट 200 रुपए से बढ़ा सकते हो देन ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, 45 मिलीसेकंड की लोड एसी, डुअल डिवाइस पेयरिंग और स्पेटियन ऑडियो जैसे तगड़े फीचर्स देने को मिल जाते हैं। इनमें भी आपको एक्टिविटी के लेटेस्ट BT 5.3 मिलता है विद गूगल फास्ट पेयरिंग एंड साथ में मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर दे रखा है और डुअल डिवाइस पेयरिंग का भी सपोर्ट है। बाकी बात करूँ उसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की, 13.6 mm का डायनामिक ड्राइवर्स यूज किए हैं और गाइस जो ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलती है इनमें वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब वोकल्स में क्लैरिटी काफी अच्छी है, ट्रबल भी ऑन पॉइंट है और हाई मिड्स लो को भी प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर रखा है। एंड रही बात बेस की, तो बेस ही बहुत तगड़ा है, बस इसके ऐप में आपको प्योर बेस इनेबल करना होगा जिससे आपको एक पावरफुल पचनेस के साथ डीप बेस सुनने को मिल जाएगा और साथ में ऐप में आपको और भी मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गाइस इन्हें आप एक अच्छे म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए जरूर कंसिडर करना। और नेक्स्ट बात है कॉलिंग क्वालिटी, तो कॉलिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, इंडोर आउटडोर कोई भी दिक्कत नहीं आती कॉलिंग को लेकर। बट हाँ ज्यादा ही नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में जाओगे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ कैच करेंगे। और वही इसमें वो 30 dB तक का एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी दे रखा है जो कि 70-80% तक आपके बैकग्राउंड नॉइज़ को कैंसिल आउट कर देगा। एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी है तो अपने आसपास के एंबिएंट साउंड भी सुन पाओगे। बाकी इसमें वो गेमिंग के लिए 45 मिलीसेकंड की अल्ट्रा लो रेजोल्यूशन दे रखी है, तो इस पर आप आराम से हैवी गेमिंग कर सकते हो। और साथ में IP54 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी दे रखा है। और नेक्स्ट बात उसकी बैटरी, तो 40 आवर्स तक का बैटरी का मिल जाएगा नॉर्मल उस पे। एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जो कि आपको 10 मिनट चार्ज पर 25 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे देंगे। बाकी बात है प्राइसिंग, तो आपको 1700 के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो गाइस ये तो टॉप 5 नेक बैड जिन्हें आप बाय कर सकते हो, सारे सारे नेक बैड्स अपने अकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं। बट अगर आपका अभी कोई सवाल है तो कमेंट कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।